वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने वाले हैं दूधी और चने की दाल की सब्ज़ी। दूधी यानी लौकी, लौकी की सब्ज़ी बनाने वाले हैं आज हम। तो देखिए, यहाँ पे मैंने चने की दाल को, मतलब 100 ग्राम चने की दाल लेंगे। भीग के वो ज़्यादा हो जाती है। चने की दाल रात भर मैंने भिगो के रखी थी। या 4 प्याज में मैंने 4 हरी मिर्ची को कट करके, ये चॉप करके लियो प्याज को, हल्दी, हरा धनिया और या जीरा, राई, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मेथी का दाना लियो। देखिए, मेथी दाने थोड़े से लियो, और ये कड़ी पत्ता, 2 लाल मिर्ची। बस एकदम सिंपल सी और बेस्ट, बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है इसकी, और मेरे बेटे के तो ये फेवरेट है। और नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। तो चले, कढ़ाई मैंने यहाँ पे गैस पे रख दी हूँ, इसमें तेल डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तेल डाली हूँ। तेल को गर्म होने देते हैं। जब लौकी हम कट कर देते हैं ना, तो कट करने का जो बीच का हिस्सा है ना, थोड़ा सा पोर्शन वो निकाल देना। जब हम पूरा कट करते हैं ना, तो बीच से थोड़े से बीज जो रहते हैं वो कट करना। और कटिंग आपके हिसाब से, आपको क्यूब छोटे बड़े जैसे चाहिए वैसे आप ले सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। राई, जीरा, कड़ी पत्ता, मेथी दाना डाल देते हैं। थोड़ा चटकने के बाद ये दो जो हमने मिर्ची ली थी सूखी, ये भी डाल देंगे। ये दोनों मिर्ची को भी डाल देंगे। और इसी के साथ हम ये जो हमारी प्याज कट करके रखी थी, ये भी डाल देंगे। ये सब्ज़ी, क्योंकि बच्चे ऐसे तो सब्ज़ी खाते नहीं है, एकदम सिंपल और इजी। और मिर्ची बच्चों के हिसाब से आप डालना, तीखा कम ज़्यादा जैसे खाते हैं ना, तो मिर्ची कम डालना। अगर आपके घर में बच्चे थोड़ा तीखा खाते हैं, तो आप मिर्ची आपकी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें प्याज़ों को ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का सा ब्राउन करना है। तो इसे हल्के से ब्राउन होने देते हैं हमारी प्याज़ों को। प्याज हमारी ब्राउन, हल्की सी ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच जो है हल्दी पाउडर डालेंगे। ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से डालना। नमक डाल रही हूँ मैं। और इसमें मैं जो मैंने भिगो के रखी थी चने की दाल, माफ़ करना मेरी तबीयत थोड़ी, आवाज़ थोड़ी ख़राब है, तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो आप लोग समझ जाना कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये मैंने रात भर चने की दाल भिगो के रखी थी, ये डाल देंगे अभी। ये सारी चने की दाल डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें मैंने टमाटर नहीं डाली, जो टमाटर डालने से टमाटर से दाल जल्दी नहीं गलती है, इसके लिए इसमें मैं टमाटर ऐड नहीं करती। इसमें से इसे थोड़ा सा हिला लेंगे अच्छे से। मैं अच्छे से मिलाई हूँ। अब दाल थोड़ी सी गलना चाहिए ना, भीगने के बाद थोड़ी सी गलने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 ग्लास इतना पानी ली हूँ, ये डाल देंगे 1/2 ग्लास इतना पानी। और इसे अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट ढक के रखेंगे हम इसे, मीडियम आंच पे 5 मिनट रखेंगे, ताकि हमारी दाल थोड़ी सी हल्की सी गल जाए। पे 5 मिनट हो चुके, मैंने ढक के रख दी थी। अब इसमें हम, मैंने गैस स्लो कर दी हूँ। अब इसमें हम दूधी डाल देंगे हमारी, यानी लौकी, ये डाल देंगे। ये सारी डाल देंगे लौकी। अभी सब्ज़ी को अच्छे से मिला लेते हैं और इसे ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे हम। 10 मिनट हो चुके हैं हमारी सब्ज़ी को। अब मैं गैस कर दूंगी फास्ट, और फास्ट पे हम इस सब्ज़ी को थोड़ा सा पानी थोड़ा सा सूखने तक का भून लेंगे। देखिए, हमारी दाल भी अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए, दाल भी अच्छे से गल चुकी है, और जो हमारी लौकी यानी दूधिया, ये भी गल चुकी है। बस इसे अभी 5 मिनट तक हम फास्ट पे इसका पानी सूखने तक का भूनेंगे और गैस बंद कर देंगे। पानी सूख गया है हमारा, और अभी बस इससे ज़्यादा नहीं, अब बंद कर देंगे हमारी गैस को। ये सब्ज़ी हमारी बन गई है।
लौकी भी ज़्यादा नहीं गलाना है, बस इतनी ही। देखिए लौकी भी अच्छे से गल चुकी है हमारी, ये देखिए। तो अभी से इस पर जो हमने हरा धनिया कट करके रखे थे ये डाल देंगे, लास्ट पे हरा धनिया डालना है और इसे मिक्स कर देंगे हरा धनिया डाल के। और चलिए इसे निकाल लेते हैं। देखिए हमारी दूधी की सब्ज़ी चने दाल और लौकी सब्ज़ी बन चुकी है। अब भी इसी तरीके से बनाए खाए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करने से बिल्कुल नहीं भूलना गाइस। दुआ में याद रखिए, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।